नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर, या अगर इसे सामान्य शब्दों में मैं कहूँ तो ये टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर हिंदी में हम समझें, इसका मतलब हुआ कि तापमान, और अगर आगे वाले जो पूरा एक हाफ सेंटेंस लिखा है उसको समझे तो उसका मतलब हुआ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि इस ढंग से मैं समझा पाऊँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, और मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पूरे टॉपिक को जीरो से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमको पढ़ना है क्या कि एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है या कैसे ठंडा होता है, तो हमको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर ये एटमॉस्फेयर या वायुमंडल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। अब हम देखेंगे कि आखिर जिसका हम ये अध्ययन कर रहे हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की हीटिंग एंड कूलिंग क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो अगर मैं सामान्य शब्दों में कहना चाहूँ कि वायुमंडल क्या होता है, तो वायुमंडल सरफेस से या पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊँचाई तक जो भी गैस या डस्ट या वेपर होती है उन सभी के सम्मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, पृथ्वी की सतह से चाहे वो स्थलीय सतह हो या जलीय सतह हो, यानी लैंड हो या वाटर हो, वहाँ उस सतह सरफेस से लेकर 1000 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उस पूरे लंबाई में या ऊंचाई में जो भी गैस डस्ट वेपर, यानी गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट मतलब जो धूल कण सतह से उड़ते हैं ऊपर की तरफ या ज्वालामुखी क्रियाओं से विसर्जित होते हैं वो, और वेपर मतलब होता है कि जब किसी जल के स्रोत पर या पेड़ की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पेड़ की पत्तियों से इवेपोट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन और जल स्रोतों से वाष्पीकरण होता है, तो वो जो वाष्पीकरण होता है वो वाष्प ऊपर जाती है। तो वायुमंडल इन्हीं तीनों का सम्मिश्रण है, किसका? गैस, धूल और जल वाष्प का। तो एकदम क्लियर हो गया कि सतह से, सरफेस से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो भी गैस, डस्ट और वेपर मिलता है, इन तीनों के सम्मिश्रण को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो पहली चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, सबसे आसान शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूँगा और ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँगा जो आप अपनी दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमको देखना है कि एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यहाँ पर होगा कुछ, मैंने गलत लिख दिया है, ये होगा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है या तापमान क्या होता है। तो पहली चीज़ तो एटमॉस्फेयर तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया, अब हम देखेंगे कि आखिर ये तापमान होता क्या है। तो तापमान अगर सबसे सरल शब्दों में मैं कहूँ तो तापमान क्या होता है? तापमान वायुमंडल में, यानी सरफेस से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो भी गैस, धूल और जल वाष्प होती है उसमें जो हीट एनर्जी होती है, यानी जो भी सतह से 1000 किलोमीटर के बीच में जो भी गैस, डस्ट, वेपर होती है, इनके द्वारा जो भी हीट एनर्जी अवशोषित की जाती है वही क्या होता है? वही हमारे वायुमंडल का तापमान होता है या तापमान होता है। तो इस ये भी क्लियर हो गया होगा कि गैस, डस्ट, वेपर जो भी सूर्य से आने वाली हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या अवशोषित करता है, तो उसी हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ये देखिए लिखा है, उसी ताप ऊर्जा या हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसी ताप ऊर्जा या हीट एनर्जी को हम कहते हैं टेम्परेचर। आगे लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इस पूरे टॉपिक को कवर करने से पहले ज़रूरी है कि एक हमको नियम पढ़ना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स लॉ या प्लैंक का नियम। तो ये नियम क्या था ये समझिए, प्लैंक साहब थे, उन्होंने एक नियम दिया था, तो ज़रूरी है यहाँ पर कि इस नियम को हम बेहतर ढंग से समझ लें, तभी हमें आगे की चीज़ें या आगे के टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो अगर हम प्लैंक नियम की बात करें तो प्लैंक साहब ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी ही एनर्जी की रेडिएशन उत्सर्जित करेगा, या उतनी ही एनर्जी के विकिरण उत्सर्जित करेगा, और जब विकिरण की एनर्जी ज़्यादा होती है
तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बहुत अधिक होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति अधिक होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन। चूँकि सन बहुत अधिक गर्म होता है, और सन कैसे गर्म होता है? सन के अंदर नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन नामक अभिक्रिया होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इसी क्रिया में कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, तो इसी क्रिया को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। जैसे सन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ इस क्रिया में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वही विकिरण के रूप में अर्थ को प्राप्त होती है। तो प्लैंक का जो रूल है या प्लैंक्स लॉ है, ये कहता है कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी, उसकी विकिरण जो भी उत्सर्जित होगी, चूँकि गर्म वस्तु विकिरण के रूप में एनर्जी रिलीज करती है, तो विकिरण जो उत्सर्जित होगी उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि तरंग दैर्ध्य उसकी वेवलेंथ कम होगी। दूसरी साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सन से विकिरण निकल रहा है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक है और उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कम है, और इसीलिए हमारा जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाले विकिरण को, जिसको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग सौर विकिरण कहते हैं, उसको अवशोषित करने में बहुत अधिक समर्थ नहीं होता या बिल्कुल ना के बराबर अवशोषित करता है या अवशोषित नहीं कर पाता है। दूसरी साइड, प्लैंक साहब का अगर रूल का हम और इम्प्लीमेंट करें, तो इसकी एक बात ये भी इस तथ्य के साथ निकल कर सामने आता है कि इन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हीट बहुत अधिक है उसमें, ठीक है, और अगर हीट ज़्यादा होगी तो ऊर्जा ज़्यादा, जो विकिरण होगी उसका ऊर्जा अधिक होगी और तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हीट इतनी नहीं है, हीट उसकी कम है इसकी तुलना में, और विकिरण एनर्जी अगर हीट कम है तो उससे जो विकिरण उत्सर्जित होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर विकिरण की एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ होगी वो अधिक होगी। और यही कारण है कि जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग विकिरण होता है वो वायुमंडल द्वारा बहुत कम मात्रा में अवशोषित हो पाता है, और कहाँ पर आ जाता है? वो आता है हमारी पृथ्वी पर, और हमारी पृथ्वी को जब वो ब्लैक बॉडी लिमिट तक गर्म करता है उसके बाद ऊपर की तरफ रिलीज होता है, और पृथ्वी से जो विकिरण रिलीज होता है उसकी हीट कम होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाले विकिरण से गर्म हो रही है, इसलिए गर्म होकर जब वो हीट रिलीज करेगी तो सीधी सी बात है पृथ्वी अब सूर्य के बराबर तो सूर्य से आने वाली किरणों से गर्म नहीं हो सकती है, तो हीट कम होगी। और अगर उस मात्रा में गर्म नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो विकिरण या रेडिएशन करेगी, अर्थ जो रिलीज करेगी, उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो सीधी सी बात है उस विकिरण की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, और अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा वायुमंडल है या गैस डस्ट वेपर का जो मिश्रण है वो इस जो ये रेडिएशन है इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा या अवशोषित कर लेगा। इसीलिए हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों से नहीं गर्म होता है, बिल्कुल ना के बराबर 2% के आसपास गर्म होता है, और मेनली किससे गर्म होता है, जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पृथ्वी से विसर्जित होती है या उत्सर्जित होती है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। तो उम्मीद है प्लैंक्स आपका नियम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन विधियों से गर्म होता है, तरीके क्या हैं। मैं एक बार पीछे आता हूँ तो शायद आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। जब हमने टॉपिक की शुरुआत की थी तो हमने क्या कहा था, एटमॉस्फेयर हमने देख लिया, टेम्परेचर देख लिया। अब जो हमारा वायुमंडल या हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो 1, 2, 3, 4 और ये 5वां, इन मुख्य तौर पर इन 5 क्रियाओं से होता है, जिन्हें हम सबसे पहले कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, दूसरे को कंडक्शन या चालन, तीसरे को लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण, चौथे को कन्वेक्शन या संवहन, पांचवे को एडवेक्शन या अभिवहन। तो चलिए अब जो हमने यहाँ तक कवर कर लिया, और सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं या लघु तरंग विकिरण होता है उससे हमारा वायुमंडल किस किस प्रकार गर्म होता है। तो अगर हम स्लाइड ले लें शॉर्ट वेव रेडिएशन वाली, मैंने फिगर भी ड्रॉ कर रखे ताकि बेहतर ढंग से समझ में आए। तो हम अगर देखें कि ये सन है और इस सन से क्या आ रही है, इस सन से आ रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन,
और पीछे मैं बता चुका हूँ कि जो सन है प्लैंक के नियम के अनुसार बहुत अधिक हीट उसमें होती है, इसलिए ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगा इसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर इसकी वेवलेंथ कम होगी तो जो हमारा वायुमंडल है गैस डस्ट वेपर का जो मिश्रण है वो इसको नहीं रोक पाएगा या बहुत कम मात्रा में इसे रोक पाएगा, और ये कहाँ जाएगी, ये सरफेस पर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है ये हमारे वायुमंडल को बहुत कम मात्रा में गर्म कर रही है। कहा जाता है कि मात्र 2-3% ये हमारे वायुमंडल को गर्म करती है, बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर गर्म करती है। इसलिए जो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर रहता है उसमें जो शॉर्ट वेव रेडिएशन का योगदान है वो बहुत ही कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखना है कि अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि हमारा जो वायुमंडल होता है वो सूर्य से गर्म होता है, तो हमारा वायुमंडल सूर्य से डायरेक्ट नहीं गर्म होता है, या हम कहें डायरेक्ट नहीं गर्म होता, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली गर्म होता है। कैसे, शॉर्ट वेव रेडिएशन से नहीं गर्म होगा, तो ये हमने देख लिया कैसे गर्म होगा, आगे स्लाइड में देखेंगे जब ये ऊपर जाएंगी। तो ये हमने लगभग देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है कंडक्शन या चालन की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स में टॉपिक भी है ट्रांसफर ऑफ हीट, या हम कहें ऊष्मा स्थानांतरण, तो उसमें एक मेथड होता है कंडक्शन या चालन। तो कंडक्शन या चालन क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान लेता हूँ मैं कि एक कोई दो बॉल मैं लोहे की लेता हूँ और बॉल को गर्म, या एक ही बॉल लेता हूँ मैं, बॉल को गर्म करता हूँ, लोहे की एकदम सॉलिड लोहे की या ठोस लोहे की बॉल है, और बॉल को मैं गैस पर रख कर गर्म करता हूँ, तो क्या, एक तो ये समझ लीजिए कि हर चीज़ मॉलिक्यूल्स या अणुओं से बनी है। अणु क्या होता है, अणु किसी तत्व एलिमेंट या यौगिक कंपाउंड का वो छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और उसी स्वतंत्र या छोटे से कण में उस एलिमेंट या कंपाउंड, या हिंदी में कहें तो तत्व या यौगिक की सभी विशेषताएं मिलती हों। मतलब किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में रह सकता हो और उस कण में उस यौगिक या तत्व की सभी विशेषताएं विद्यमान हो। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कोई लोहे की बॉल गैस पर रखता हूँ तो क्या जो लोहे की बॉल गर्म होगी उसमें मॉलिक्यूल्स दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है या सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस की मैं बात कर लूँ, सॉलिड लिक्विड गैस, तो अगर ये जो सॉलिड का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं या अणु जो हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, ठीक है ना। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसमें आप देखोगे कि अणु का जो स्ट्रक्चर है या संरचना है ये सॉलिड की तुलना में दूर दूर है, ठीक है। और अगर मैं गैस की बात कर दूं तो हम देखेंगे कि गैस में जो अणुओं का स्ट्रक्चर या संरचना होती है ये बहुत दूर दूर होती है। तो क्या होगा कि जो कंडक्शन मेथड है ये मुख्यतः, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो ठोस या सॉलिड होते हैं उसमें ऊष्मा स्थानांतरण या एनर्जी ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र का प्रमुख विधि है। क्यों, क्योंकि इसमें अणु इतने सघन रूप से जुड़े रहते हैं या रहते हैं कि ये गति नहीं कर सकते हैं। और जब भी किसी वस्तु को आप गर्म करते हो और उसके अणु गति न कर पाएँ, मॉलिक्यूल्स गति न कर पाएँ, और केवल संपर्क विधि द्वारा या कॉन्ट्रैक्ट मेथड द्वारा हीट को ट्रांसफ़र करें तो उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कंडक्शन। जैसे लोहे की बॉल को हम गर्म करेंगे, अगर इसको हम किसी चूल्हे के नीचे, चूल्हे के ऊपर रख दें तो हम देखेंगे, मान लेते हैं ये एक चूल्हा है और इससे आग निकल रही है और ये अणु ये बॉल को गर्म कर रही है। अब जो यहाँ से हम हीट दे रहे हैं चूल्हे से, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल हीट लेगा और एनर्जी, इस मतलब हीट मतलब क्या होता है, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा ही होता है। तो जैसे ये हीट एनर्जी लेगा, ये तुरंत टच करके या संपर्क विधि द्वारा अपना जो भी अणु इसको छूता होगा या इससे जुड़ा होगा इसको हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये फिर इसके आगे वाले को हीट ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे ही धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आप देखोगे कि गर्म हो जाएगा, और यही प्रोसेस हमारे वायुमंडल के गर्म होने में भी होता है। कैसे, जब सूर्य से शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं, फिर से बोल रहा हूँ, जब सूर्य से शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं तो ये रेडिएशन जब सरफेस से टकराती हैं तो सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा कि ये सरफेस को गर्म करेंगी, ठीक है। और सरफेस जब गर्म हो जाएगा तो इस सरफेस के जो वाइट कलर से आप देख रहे हो ये वायुमंडल है, तो इस सरफेस के नज़दीक जो भी वायुमंडल होगा वो जो ये नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे संपर्क विधि द्वारा एनर्जी ले लेगा। कैसे ले लेगा,
ये टच होते रहेंगे, इसमें मैं टच करके बना नहीं पाया हूँ, तो संपर्क विधि द्वारा कैसे लेगा एनर्जी ले लेगा। तो हम देखते हैं कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये गति नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डेंस होता है या सघन होता है, इसलिए ये संपर्क विधि द्वारा एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ये जो कंडक्शन या चालन मेथड है ये हमारे वायुमंडल की बस निचली परतों को गर्म करने में ही सक्षम है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लेता हूँ कि यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, जो वायुमंडल की सबसे निचली परतें हैं जो संपर्क में है कॉन्टैक्ट द्वारा गर्म हो गई, लेकिन चूंकि आपको पता है कि जो हमारा एयर होती है वायु होती है, तो वायु क्या है, उष्मा का क्या है, बैड कंडक्टर या कुचालक है, ठीक है। कुचालक का मतलब कि इसमें उष्मा ट्रांसफ़र बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती है, इसलिए अगर जो भी सरफेस के करीब की वायुमंडल है उसकी परतें अगर इस मेथड से गर्म भी हो गई तो आगे ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि वायु क्या है, कुचालक है या बैड कंडक्टर है। तो ये भी हमारे वायुमंडल के गर्म करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं साबित होती है। कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब ये समझिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपने आधी दुनिया जीत ली। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण अगर समझ में आ गया, पहले मैं बता चुका हूँ कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं या उनकी वेव लेंथ बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा वायुमंडल या गैस डस्ट वेपर का जो मिश्रण है इन शॉर्ट वेव रेडिएशन को बहुत कम कैच कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। और जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारी सरफेस से टकराती हैं तो ये हमारे सरफेस को गर्म करेंगी, और सरफेस को कब तक गर्म करेंगी, इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है कृष्णिका सीमा या ब्लैक बॉडी लिमिट। ये ब्लैक बॉडी लिमिट क्या होती है, किसी भी वस्तु की वो मात्रा या वो सीमा जिसको जब उष्मा देते हैं तो जैसे ही वो सीमा प्राप्त कर लेते हैं वो वस्तु उष्मा का विसर्जन या हम कहें विकिरण के रूप में रिलीज करने लगती है। तो जैसे ही शॉर्ट वेव रेडिएशन से अर्थ को या सरफेस को जो भी आप कहिए उष्मा मिली, तो उष्मा आएगी या शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगी, सरफेस से टकराएगी, सरफेस को गर्म करेगी। गर्म करने का मतलब क्या हो रहा है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं। जब सरफेस अपनी ब्लैक बॉडी लिमिट प्राप्त कर लेगा, ब्लैक बॉडी लिमिट फिर बता दे रहा हूँ, किसी वस्तु की वो सीमा जिसके पश्चात वो वस्तु हीट एनर्जी रिलीज करने लगती है। एक सीमा तक तो वो खुद गर्म होगी, और जब वो ब्लैक बॉडी लिमिट प्राप्त कर लेगी तो उसके पश्चात वो हीट एनर्जी रिलीज करने लगेगी, ठीक है। तो अर्थ जैसे ही ब्लैक बॉडी लिमिट को प्राप्त करती है तो क्या करेगी, रिलीज करेगी, क्या हीट रिलीज करने लगेगी। और पीछे हम प्लैंक का नियम देख चुके हैं, चूँकि अर्थ सूर्य की तुलना में बहुत कम गर्म होती है, इसलिए जो भी रेडिएशन या विकिरण ये रिलीज करेगी उसकी वेवलेंथ अधिक होगी, एनर्जी कम होगी। और जब एनर्जी कम होगी तो हमारा वायुमंडल या गैस डस्ट वेपर का जो भी मिश्रण है वो अर्थ से रिलीज होने वाली जो ये रेडिएशन है या विकिरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या हिंदी में कहें तो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। अब जो भी सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है वायुमंडल नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, गर्म करेगी सरफेस को, उसके बाद सरफेस उसको रिलीज करेगा। अब इसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, और जैसे ही वेवलेंथ बड़ी होगी तो क्या होगा, हमारा वायुमंडल कैच करेगा। तो मैंने यहाँ पर वायुमंडल बनाया, तो इसका मतलब है कि ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये किस रूप में जाती है, ज़रा समझिए। इधर मैंने बना, इधर भी बना रहा हूँ, लॉन्ग वेव रेडिएशन जाएगी तो पहले निचले वायुमंडल को, जिसको मैंने वन माना, इसको गर्म करेगी, इसके बाद फिर ऊपरी वायुमंडल को गर्म करेगी, टू को, फिर थ्री को करेगी, ठीक है। और अक्सर आपने किताबों में लिखा हुआ देखा होगा या पढ़ा होगा कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, तो इस कैसे आती है समझिए। जब ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ से रिलीज होती है तो क्या होगा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मान लिया एक बच्चा ये बैठा है वन, दूसरा बच्चा टू बैठा है, तीसरा बच्चा तीन बैठा है। मैं पार्ले जी बिस्किट के कुछ पैकेट्स ऐसे उछालता हूँ,
तो सबसे ज़्यादा पैकेट कौन कैच करेगा? सीधी सी बात है, जो सबसे नीचे होगा वो कैच करेगा, और जो भी कुछ बचेंगे वो टू कैच करेगा, उसके बाद फिर अगर कुछ बचे तो थ्री कैच करेगा। इसका मतलब ये है, चूंकि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन नीचे से रिलीज़ हो रहा है, तो सबसे पहले ए वाला एटमॉस्फेयर इसको कैच करेगा, तो ये ज़्यादा एनर्जी ले लेगा। फिर जो कुछ बची एनर्जी होगी उसको टू कैच करेगा, उसके पश्चात गर्म हो जाएगा, उसके पश्चात जो भी कुछ बची या शेष एनर्जी होगी उसको थ्री कैच कर लेगा। और इसीलिए क्या होता है कि हम जब सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान कम होता है। और दूसरा एक चीज़ आप ये देखिए, मैंने लिखा है कि सबसे पहले ये एनर्जी लेगा, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, उसके पश्चात ये लेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, उसके बाद तीन लेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा वायुमंडल होता है वो नीचे डेंस होता है और ऊपर क्या होगा, ऊपर विरल होता है या उतना डेंस नहीं होता। इसका कारण क्या है ये समझिए। हमारा वायुमंडल क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाने पर उसका घनत्व तो कम होता जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वायुमंडल क्या होता है, गैस प्लस डस्ट प्लस वेपर, ठीक है ना, VAPOUR, ठीक है। हमारा वायुमंडल क्या होता है, गैस धूल कण और जलवाष्प का मिश्रण होता है, ठीक है ना। अब अगर हम गैस की बात करें तो गैसों में से जो भी भारी गैसें हैं वो क्या होंगी, वो इस धरातल के नज़दीक होंगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है तो वो धरातल के नज़दीक होगी, और जो हल्की गैसें होंगी वो ऊपर होंगी। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो क्या लगता है, वो नीचे से लगता है, तो भारी चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जो हल्की चीज़ें होंगी या हल्की गैसें होंगी या हल्के डस्ट होंगे उनको कम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें कि दूसरे नंबर पर हम डस्ट की बात करें, तो धूल गढ़ का जो मुख्य स्रोत है वो धरातल है, स्थलीय धरातल या स्थलीय सतह हम कह दें। क्यों? कैसे? धूल जब जमीन से ही उड़ती है, या फिर पॉल्यूशन से धूल कण निकलती है, या फिर ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के धूल कण ऊपर उठती है, तो चूंकि सोर्स चाहे जमीन हो हवा से उड़कर जा रही है, या चाहे ज्वालामुखी क्रियाएं हो तो वो भी नीचे से होंगी। तो धूल कण क्या होगा, ज्वालामुखी क्रियाओं में भी क्या होता है, जब धूल कण निकलता है तो जो भारी होगा उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो खींचेगा तेजी से, और जो हल्के होंगे तो ऊपर चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि गैस भी कम होती है, या भारी गैसें नीचे होती हैं हल्की गैसें ऊपर, डस्ट भी जो भारी डस्ट होगा वो सतह के करीब होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डस्ट क्या होगा, हल्का होता जाएगा, या डस्ट में जो बहुत हल्के कण होंगे वो ऊपर होंगे। इसी तरह अगर हम वेपर की बात कर लें, जलवाष्प की बात कर लें, तो जलवाष्प में आप क्या देखते हो कि जो वाष्पीकरण इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। अब इस पर पहले अंतर समझ लिया कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जब सूर्य कहीं पर लंबवत होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वाटर सोर्स या जल स्रोत होते हैं, तो जल स्रोत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जल के मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं, और क्या होता है, जल के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और वही गैस फॉर्म नीचे से ऊपर उठती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। और पत्तियों में भी यही क्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो चूंकि ये क्रिया जो हो रही है कहाँ से हो रही है, चाहे जल स्रोत हो या पेड़ हो, तो सतह के तो समीप होगा, तो कैसी होगी, जलवाष्प भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जलवाष्प का जो सोर्स है वो सतह है, और किसी भी कोई भी चीज़ अपने सोर्स के पास रहना पसंद करती है, सोर्स के पास होती है। तो नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में कमी का मुख्य कारण यह है कि नीचे हमारा जो वायुमंडल है वो कैसा है, सघन है, और या हम कहें डेंस है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा वायुमंडल, देखिए मैंने दिखाया भी है कि नीचे के वायुमंडल जो ही मैंने बनाया है एक कॉलम या रेक्टेंगल का है, तो यहाँ पर आप देखिए जो वायुमंडल या एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, ऊपर दूर हो गए हैं, तीसरे वाले में सबसे दूर हो गए हैं। तो नीचे आप देखिए जो गैस डस्ट वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत नज़दीक हैं। इसी तरह अगर हम ऊपर देखें उसके बाद, तो यहाँ हम देखते हैं गैसों के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और तीसरे नंबर पर बहुत दूर हैं। तो सीधा सा आंसर, अक्सर लोग पूछते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में कमी क्यों आती है, तो नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में कमी का मुख्य कारण क्या है, हमारे वायुमंडल का या गैस डस्ट वेपर के सम्मिश्रण का नीचे से ऊपर जाने पर क्या होना है, सघन से विरल होना है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर जाती हैं, ये सिर्फ क्या होता है, इसमें वायुमंडल ऊपर नहीं जाता है या वायु ऊपर नहीं जाती है, इसमें सिर्फ ये विकिरण ऊर्जा ऊपर जाती है, या रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन ही ऊपर जाती हैं।
उम्मीद है कि ये आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब अगर हम बात करें, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्शन और एडवेक्शन क्या होता है। चलिए फिर इस फिगर पर आते हैं। फिगर मैंने पहले से बना रखा है ताकि समय ज़ाया ना हो। मान लिया ये सूर्य है और सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं या रेडिएशन निकलता है, और सूर्य से जो किरणें आएंगी वो माना जो ए प्लेस है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो वर्टिकल आ रही हैं या लंबवत आ रही हैं। लेकिन अगर आप बी पर और सी पर देखो तो ए की तुलना में कैसी आ रही हैं, थोड़ा सा स्लाइड होकर आ रही हैं, तिरछी आ रही हैं। तो चूंकि सूर्य की जो ये विकिरण आ रही है या शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है, जो ये वाली आ रही है इसको कम डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है या कम दूरी तय करनी पड़ रही है, किसकी तुलना में, बी और सी की तुलना में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो लंबवत वाली विकिरण आ रहा है, ये जो सूर्य की विकिरण आ रही है, ये एक तो कम दूरी तय कर रही है, दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिए कि बहुत कम क्षेत्र पर, क्योंकि जो चीज़ फोकस से आएगी, आप टॉर्च लीजिए और ऐसे जलाइए तो बहुत कम क्षेत्र पर पड़ेगी, लेकिन इन किरणों को देखिए, अगर आप टॉर्च तिरछी कर दीजिए तो एक बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं। तो जो चीज़ या जो फोकस कम क्षेत्र को कवर करेगा, या सूर्य की जो किरण कम क्षेत्र को कवर करेगी और कम दूरी तय करेगी, वो उस क्षेत्र को बहुत अधिक गर्म कर देगी, किसकी तुलना में, बी और सी की तुलना में। बी और सी पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो तिरछी आ रही हैं, इसका मतलब वायुमंडल में गैस डस्ट वेपर से टकरा कर आ रही हैं, बहुत सारा उससे टकरा कर या रिलीज कर कर या रिफ्लेक्शन प्रकीर्णन द्वारा आ रही हैं। तो क्या होगा, इसकी तुलना में इसका टेम्परेचर कम होगा। लो टेम्परेचर जो मैंने लिखा है, ये लो टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, ये ए की तुलना में है, ए पर हाई टेम्परेचर होगा। और अगर ए पर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, जैसे ये धरातल गर्म होगा तो इसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होगी, और अगर इसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म हुई तो वायु क्या है, वायु मुख्यता क्या है, वायु भी तो मॉलिक्यूल्स या अणुओं से बनी है। तो जैसे ही मान लिया ये वायु का कोई एक गठरी या पैकेट है, इसको मैं गर्म करता हूँ, मैंने इसको एनर्जी दी और इसको गर्म किया, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, वैसे ही गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ठोस और द्रव की तुलना में दूर दूर होते हैं, इसलिए जैसे हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो और अधिक बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाएगी वो, और एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही ये हमने सूर्य की लंबवत किरणें इस पर पड़ी तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ तो जो यहाँ की वायु थी, इनके जो अणु थे उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या अंतर आणविक स्थान था, वो अंतर आणविक स्थान क्या हो जाएगा, वो अंतर आणविक स्थान मैंने गलत दिखाया पहले से, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, जो अणु पहले इतनी दूर पर थे, अब अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया और वो दूर दूर हो गए हैं, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब हो रहा है कि उस जगह की वायु का घनत्व कम हो रहा है, और जैसे ही घनत्व कम होगा तो वायु हल्की हो जाएगी, और जैसे ही वायु हल्की होगी तो हल्की वायु क्या होती है, ऊपर उठ जाएगी, और जैसे ही हल्की वायु ऊपर उठी है, देखिए मैंने बनाया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वायु क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, और ये देखिए वायु क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, और जैसे ही वायु ऊपर उठी तो ए क्षेत्र पर एक वैक्यूम या निर्वात क्रिएट हो जाएगा, और क्या डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा, और जो ये इसमें समझाना मुझे ये था कि हाई टेम्परेचर से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस अणुओं के बीच बढ़ गया, वायु हल्की हो गई और वायु ऊपर उठी। अब जो वायु गर्म होकर या जिसके अणुओं के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रहा है, वो जब बढ़ेगा तो वायु हल्की होगी और नीचे से ऊपर की तरफ होगी, और इसी को कहते हैं वर्टिकल हीटिंग, और इसी को कहते हैं कन्वेक्शनल करंट या संवहन धारा या संवहन। तो संवहन क्या हुआ, सूर्य की जब लंबवत किरणें किसी स्थान विशेष पर पड़ती हैं तो उस स्थान विशेष का तापमान बढ़ा देती हैं, जिसके कारण उस स्थान विशेष की जो वायु होती है उसके अणुओं के बीच क्या होगा, अणुओं के हीट एनर्जी मिलेगी, और अणुओं के बीच जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे वायु हल्की होगी, और जैसे ही वायु हल्की होगी वायु ऊपर उठेगी, और जैसे ही वायु ऊपर उठेगी इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट, और इसी के द्वारा वायुमंडल का वर्टिकल हीटिंग या लंबवत तापन होता है, ठीक है ना। अब जब ये वायु ऊपर उठेगी तो सीधी सी बात है, ये वायु गर्म है, ठीक, और गर्म वायु मान लिया ऊपर उठ रही है तो ऊपर कुछ ठंडी वायु भी होगी,
तो ठंडी वायु भारी होगी, तो ठंडी वायु इस जगह बैठने का प्रयास करेगी, तो सीधी सी बात है अगर गर्म वायु यहीं से ऊपर उठ रही है तो ठंडी वायु इस जगह पर नहीं बैठ पाएगी, ठंडी वायु थोड़ा दूर बैठेगी, और अगर ठंडी वायु भारी है इसलिए नीचे आएगी गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो जैसे ही वो नीचे आएगी सूर्य लंबवत है सिर पर है, फिर वो ठंडी वायु जो नीचे आई उस गर्म होगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठेगी, और क्या होगा फिर ये गर्म वायु नीचे ऊपर उठेगी, फिर ऊपर की ठंडी वायु नीचे आएगी, फिर गर्म वायु ऊपर उठेगी, तो इससे क्या होता है हमारे वायुमंडल में वर्टिकल हीटिंग या लंबवत तापन होता है, और इसी वर्टिकल हीटिंग या लंबवत तापन को हम क्या कहते हैं कन्वेक्शन करंट या संवहन धारा या सिर्फ संवहन कहते हैं। अब हमको देखना है लास्ट जो आज का टॉपिक है एडवेक्शन, और हमारे वायुमंडल में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट में से एक टॉपिक है एडवेक्शन, क्योंकि हमारा वायुमंडल जो प्रमुख जिन क्रियाओं से गर्म होता है उसमें एडवेक्शन भी एक प्रमुख है। अब अच्छा एक चीज़ और गौर कर लीजिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों में नीचे से ऊपर की तरफ हीटिंग हो रही है, लेकिन अंतर क्या है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में वायु ऊपर नहीं जा रही है, सिर्फ लॉन्ग वेव रेडिएशन या दीर्घ तरंग विकिरण ऊपर जा रहा है, लेकिन कन्वेक्शनल करंट में क्या हो रहा है वायु ऊपर जा रही है। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण में केवल विकिरण क्या होगा नीचे से ऊपर जाएगा, वहीं अगर हम कन्वेक्शनल करंट की बात करें या संवहन धाराओं की बात करें तो इसमें क्या होता है कि उस स्थान की वायु धरातल के संपर्क में आकर गर्म होती है, गर्म होकर पूरी वायु ऊपर उठ जाती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है एक चीज़ ये हो गया कन्वेक्शनल करंट या संवहन धारा, और दूसरी बात एडवेक्शन या अभिवहन। अब अभिवहन क्या होता है कि जैसे ही ए पर सूर्य लंबवत हुआ, ए की वायु गर्म हुई, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया, अंतरणविक स्थान अणुओं के मध्य बढ़ा, वायु हल्की हुई, कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठी, और यहाँ पर क्या डेवलप हो गया लो प्रेशर। इसकी तुलना में जब आप बी पॉइंट और सी पॉइंट पर आइए तो सी पॉइंट पर आप देख रहे हो, बी पॉइंट पर देख रहे हो कि जो सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर पड़ रही थी उसकी तुलना में बी और सी पर कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए इसकी तुलना में बी और सी पर लो टेम्परेचर होगा, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो इसकी तुलना में इंटरमोलिकुलर स्पेस उस जगह की वायु के अणुओं के मध्य जो स्थान होगा वो कम होगा, और अगर अणुओं के मध्य स्थान कम होगा तो इसकी तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर होगा दोनों साइड, और अगर हाई प्रेशर होगा तो आपको पता होगा कि पवन कैसे चलती है, हमेशा हवा कैसे चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवा बी पॉइंट या बी स्थान और सी स्थान से ए की तरफ चल देगी, क्यों, क्योंकि ए से जो वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही थी ए पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया या लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, इसी लो प्रेशर को भरने के लिए बी और सी से वायु ए की तरफ चल देगी। अब ये जो धरातल पर के मतलब पवन चल रही है या हवा चल रही है धरातल के समानांतर चलने वाली, इसी हवाओं को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडवेक्शन। अब एडवेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये निम्न ताप को या लो टेम्परेचर को जिस स्थान पर अधिक टेम्परेचर था वहाँ की तरफ ट्रांसफ़र कर रही हैं। लो टेम्परेचर था तो हवा चली, तो हवा जो आएंगी चूँकि लो टेम्परेचर से आ रही हैं बी और सी से किसकी तरफ हाई टेम्परेचर के, तो लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर की तरफ आएंगी तो इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र कर रही हैं या ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर चल रही हैं, और गर्म स्थान की जो उष्मा है उसको कम कर रही हैं, तो हीट ट्रांसफ़र का एक प्रमुख मेथड एडवेक्शन भी है। तो कन्वेक्शन क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं वायु, और एडवेक्शन में धरातल के लगभग समानांतर चलती हैं, एकदम पूरी तरीके समांतर कहना उचित नहीं है, लेकिन बस बेसिक अंतर कन्वेक्शन में नीचे से ऊपर, एडवेक्शन में धरातल से लगभग समानांतर चलती हैं। अब एक चीज़ अगर आप और गौर करिए कि ये जो वायु ऊपर जा रही है, क्या ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जब ए पॉइंट पर जो वायु है सूर्य की लंबवत किरण पड़ी यहाँ पर, इससे क्या होगा कि जो नीचे का वायु है धरातल के संपर्क वाली वायु ये गर्म होगी, ठीक है, और गर्म होगी तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा हल्की हो जाएगी, और जैसे हल्की होगी तो कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठेगी, और चूंकि ये कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब है कि गर्म होकर ऊपर उठी है, तो क्या होगा
कि गर्म होकर जब ये ऊपर जाएगी तो इससे क्या होगा कि गर्म होकर ऊपर जा रही है और चारों तरफ का इसका जब ऊपर जाएगी तो ऊपर ठंडक रहती है, क्योंकि जो हीटिंग होती है वो कैसे होती है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये तो तय है कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हीटिंग क्या होगी, कम होती जाएगी या ताप कम मिलेगा। तो जैसे जैसे ये वायु ऊपर जाएगी तो अपने पहली बात तो यह है कि ऊपर का वायुमंडल विरल होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका मतलब है क्या कि जैसे जैसे ऊपर जाएगी, एक तो सघन वायुमंडल से विरल वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, तो ये क्या होगा जैसे जाएगी तो 2-3 किलोमीटर के बाद ये बाहर की तरफ भागना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कम लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें जो भी हीट है वो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ऊपर का जो वायुमंडल है उसके जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेगी, तो इसकी हीटिंग भी कम होती जाएगी। और सीधी सी बात है, अगर सूर्य यहाँ पर लंबवत है तो ऐसा नहीं है कि ए स्थान पर कोई भी वाटर सोर्स ना हो या पेड़ पौधे ना हो। तो अगर वाटर सोर्स या पेड़ पौधे हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर कोई वाटर सोर्स, मान ली कोई तालाब था, तो तालाब में इवेपोरेशन जरूर हुआ होगा, वाष्पीकरण जरूर हुआ होगा। और अगर पेड़ पौधे होंगे तो वाष्पोत्सर्जन या इवेपोट्रांसपिरेशन जरूर हुआ होगा। तो ये जो वायु ऊपर गई है इसका मतलब है इसके साथ क्या क्या गया है, एक तो हीट गई है प्लस वेपर भी गया है। और जैसे जैसे ये वायु का पैकेट या इसको गठरी कहें ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हीट जो ऊपरी वायुमंडल की वायु है, हीट उनके मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होगी। ठीक, और अगर हीट उनके मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होगी तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगी हीट एकदम रिलीज हो जाएगी इससे, और बचेगा क्या, वेपर या जल वाष्प जिसको हम कहते हैं। और जैसे ही जल वाष्प बचेगा तो क्या हो जाएगा, इसी जल वाष्प का संघनन या कंडेंसेशन हो जाएगा, शेषन। ये जल वाष्प जो भी ऊपर गई है, जैसे इसको जल नाभिक मिला या इसको कोई भी कण धूल कण मिला, जैसे इससे हीट निकलेगी इस वायु से, बचेगा जल वाष्प। और जैसे ही जल वाष्प बचा, उसको जैसे ही कोई कण मिला नाभिक के रूप में, उस पर इसका संघनन हो जाएगा और उसके पश्चात ये वर्षा के रूप में जल वाष्प फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये टॉपिक जो है ये वर्षा वाला, ये फिर कभी कवर करेंगे। अभी जो हमने समझा कन्वेक्शन और एडवेक्शन, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पीछे स्लाइड लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या समझने का प्रयास किया। तो हमको पढ़ना था टेम्परेचर, या सबसे लोकप्रिय टॉपिक ज्योग्राफी का तापमान, और हमारा वायुमंडल कैसे गर्म होता है कैसे ठंडा होता है। तो हमने देखा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैस डस्ट वेपर का जो सम्मिश्रण होता है उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, गैस डस्ट वेपर में, गैस डस्ट वेपर या वायुमंडल में जो भी गैस डस्ट वेपर उपस्थित होता है उसमें जो भी हीट एनर्जी उसके द्वारा अवशोषित होती है वही तापमान होती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होती हैं उनकी एनर्जी बहुत अधिक होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। और इससे हमारा वायुमंडल बिल्कुल ना के बराबर गर्म होता है, 2-3% गर्म होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कंडक्शन क्या होता है, चालन क्या होता है, कंडक्शन या ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि ठोसों के लिए बहुत अभी अधिक उपयोगी है, सॉलिड के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसमें क्या होता है, इसमें अणु या मॉलिक्यूल्स गति नहीं करते हैं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मेथड या संपर्क विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। इसमें हमारी सतह पर जो भी सूर्य की किरणें आती हैं और सतह के समीप की जो भी वायु होती है, तो सतह के जो अणु होंगे वो बिना गति किए वायु के जो अणु होंगे उनको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है। और चूंकि वायु ऊष्मा की बहुत अच्छी कुचालक नहीं है, इसलिए इसके भी द्वारा हमारे वायुमंडल को गर्म करने में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। उसके बाद हमने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देखा कि सूर्य की किरणें आती हैं और प्लैंक के नियम के अनुसार जब पृथ्वी से टकराकर, धरातल से टकराकर ऊपर जाती हैं तो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कन्वेक्शन, कि जैसे ही वायुमंडल, नीचे की वायु गर्म होती है, गर्म होकर इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा और कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठ जाएगी। एडवेक्शन, जैसे ही कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती है तो वहाँ पर एक लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। और क्या आपने पढ़ा है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो इसी जो लो प्रेशर डेवलप हुआ इसको भरने के लिए हवा चलेगी दोनों साइड से, बी और सी पॉइंट से, उसी को हमने क्या कहा, एडवेक्शन का। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो और जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है पसंद आया हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोज़ हम बनाते रहें, तो हमारा क्या करिए, थोड़ा सा उत्साहवर्धन करिए। उत्साहवर्धन कैसे करेंगे, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को खुद सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।